हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के जितने भी कल हम पार्ट पढ़े थे, इसके भाग पढ़े थे, आज उसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये सभी भाग क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार और हम बता रहे हैं, रिविज़न करवा रहे हैं कि देखिए ये डीसी जनरेटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक ना। इसमें हम देखिए सबसे बाहरी भाग को, जनरेटर के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं, या बॉडी कहते हैं, या योक कहते हैं। जनरेटर के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं, योक कहते हैं, और आपका बॉडी कहते हैं, ठीक ना। और इस जो फ्रेम पर जो अंदर से ये लगा रहता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ठीक ना। और पोल से जो ऊपर में आगे ये तिरछी तरह का है, इसको पोल शू कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल शू कहते हैं, पोल शू, ठीक ना। पोल पर जो वाइंडिंग किया रहता है उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। पोल पर जो वाइंडिंग किया रहता है उसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। और देखिए जनरेटर में रोटेटिंग पार्ट आपका इतना ये होता है, ठीक ना। पोल के जो बीच वाला पार्ट है यही आपका घूमते रहता है, जिसको सबसे बाहरी भाग को कहते हैं आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर में जो स्लॉट कटे होते हैं उसमें आपका वाइंडिंग किया रहता है, जिसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक ना। इसी में आपका वाइंडिंग में EMF उत्पन्न होता है, ठीक ना, घूमने के क्रम में। और देखिए, और उस पर रहता है एक आपका कम्यूटेटर। क्या रहता है? कम्यूटेटर, जो आपका इंड्यूस EMF हुआ अल्टरनेटिंग नेचर का, उसको क्या बनाता है? DC बनाता है, ठीक ना। और उस पर रहता है आपका ब्रश, ठीक ना, जो ब्रश क्या करता है, उस करंट को कलेक्ट करता है और आपको आगे परिपथ में भेजता है, यानी लोड में पहुँचाता है, ठीक ना। तो ये थे आपका कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ जनरेटर। तो चलिए हम अब पढ़ते हैं ये जनरेटर जो है, ये जो जितने भी पार्ट है वह सबका क्या क्या काम है और वह किस किस पदार्थ से बने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए जनरेटर को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए निम्नलिखित भाग होते हैं जनरेटर का, क्या क्या है? पहला है बॉडी, बॉडी या योक या फ्रेम, तीन नाम से जानते हैं। दूसरा है फील्ड पोल, या इसको सिंपली पोल कहते हैं, ठीक ना, इसको पोल भी कहते हैं या फील्ड पोल कहते हैं। फील्ड पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी पोल पर क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं, ठीक ना। और देखिए अगला है पोल शू, फिर चौथा है आर्मेचर, फिर कम्यूटेटर, ब्रश, ब्रश होल्डर और शाफ्ट बेयरिंग। बेयरिंग मतलब यहाँ पर जो देखिए जो शाफ्ट इस पर कनेक्ट रहता है, जिस पर ये घूमते रहता है, ठीक ना। और ये शाफ्ट आपका डीजल इंजन से जुड़ा रहता है। अब देखिए हम पहला पढ़ते हैं कि बॉडी क्या होता है। तो देखिए बॉडी क्या होता है, तो जनरेटर के सबसे बाहरी भाग को बॉडी कहते हैं। जैसा कि अभी ये देख रहे हैं, सबसे बाहरी जो भाग है इसको क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं, ठीक ना। यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील की बनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको याद रखेंगे कि सबसे बाहरी भाग जो है उसको फ्रेम बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं, वह क्या चीज़ का बना होता है। तो वह उसको बनाते हैं कास्ट स्टील और कास्ट आयरन का बनाते हैं, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनी होती है, समझे। यहाँ से मुख्य बात यही है कि योक और फ्रेम जो है आपसे पूछ लिया जाएगा सीधे कि कास्ट किसका बना होता है, तो आप कहेंगे कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनी होती है। अगला पॉइंट है, इसका मुख्य कार्य है कि मशीन के सभी भागों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक ना, तथा चुंबकीय फ्लक्स के लिए पथ प्रदान करना। देखिए इसका काम क्या है और क्या काम है कि जो ये आर्मेचर घूमता है, जिसमें आपका EMF इंड्यूस होता है और पोल में ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रदान करता है, तो क्या होता है इसके लिए जो है, ये जो अंदर से क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आपका रास्ता प्रदान करता है, कौन चीज़? बॉडी, समझे। और दूसरा पढ़ेंगे फील्ड पोल या सिंपली पोल। तो पोल क्या होता है, देखिएगा पोल की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको पोल बोलते हैं। तो पोल क्या होता है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी इसको जब हम
पोल पर हम वाइंडिंग करते हैं, इसमें सप्लाई देते हैं, तो यह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्या करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेट बनता है, यानी एक नॉर्थ तो दूसरा साउथ, ठीक ना। उससे क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो समझ गए कि यह चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने का काम में आ जाता है, ठीक ना, यानी प्रयोग किया जाता है। यह क्या चीज़ का बना होता है? तो पोल जो है लेमिनेटेड कास्ट स्टील, ठीक ना, लेमिनेट किया रहता है उस पर, ठीक ना। तो किसका? कास्ट स्टील का बना होता है या नहीं तो एनिलीड स्टील का बना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पोल क्या चीज़ का बना होता है, तो कास्ट आपका स्टील का बना होता है या नहीं तो एनिलीड स्टील का बना होता है, ठीक ना। और ऊपर से क्या करते हैं? उसको लेमिनेट कर देते हैं, समझे। तो ये आपका है पोल। अब है कि पोल के ऊपर से क्या है आपका, ये भाग क्या है? पोल शू है, ठीक ना। तो पोल शू क्यों आपका ये बनाते हैं? देखिएगा, पोल शू क्या करता है, जब हम पोल बना दिए, इस पर क्वाइल लपेट करके इसको जब मैग्नेट बना दिए, तो कहिए मैग्नेट आगे जब इतना बड़ा हमका पोल शू का एरिया हम बढ़ा दिए, तो मैग्नेट आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो उत्पन्न होगा उसके लिए क्या हो गया? एरिया बढ़ गया। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जाए इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा इसके लिए? देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का एरिया बढ़ गया, नहीं तो ये क्या काम करता है पोल शू? तो देखिए इसका मुख्य कार्य होता है कि पैदा किए गए चुंबकीय क्षेत्र को अधिक फैला देना, यानी इससे पोल तो आपका चुंबकीय फ्लक्स पैदा कर देता है, लेकिन पोल शू का काम क्या है? इसको और ज़्यादा अधिक मात्रा में आपका क्षेत्रफल क्या करना है? बढ़ा देना, ठीक ना। और देखिए फील्ड पोल को सुरक्षा प्रदान करना, इसका और क्या काम है कि ये जो पोल है इसको ये सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि इसमें जो वाइंडिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा वाइंडिंग किया हुआ है, अगर पोल शू नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका निकल भी सकता है, ये जो वाइंडिंग क्वाइल जो लपेटे हैं ये निकल भी सकता है। तो इसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, यानी होल्ड करके रखने का काम करता है। कौन चीज़? तो पोल शू, समझे, पोल शू क्या होता है, तो ठीक। और अगला है आपका आर्मेचर। देखिए आर्मेचर का है तो देखिए ये जिस पर स्लॉट कटा हुआ है, खांचा कटा हुआ है, उसको बोलते हैं आर्मेचर। यह आपका रोटेटिंग पार्ट होता है। देखिए आर्मेचर जो है यह है बेलनाकार ड्रम जैसा होता है, यानी इसका आकार कैसा होगा? बेलनाकार, ठीक ना, जैसा कि आप यहां से देख रहे हैं। देखिए तो जो सिलिकॉन स्टील की, देखिए यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। देखिए यानी क्या होगा, बेलनाकार बनाते हैं लेकिन क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्ती, यानी क्या करते हैं, पत्ती टाइप का बहुत सारा पत्ती लेते हैं, इस पर बंच करते हैं, एक पर दूसरे पर, एक पर दूसरे, जैसे देखिए जैसे मेरा ये समझिए, ठीक ना। तो क्या करते हैं, एक एक पत्ती लेते हैं, यानी ठीक ना, किसका? सिलिकॉन स्टील का पत्ती लेते हैं, एक पर दूसरे पर रख रख कर क्या करते हैं, बंच करते हैं या रिवेट कर देते हैं, ठीक ना। तो इससे जो बनता है और यह क्या होता है, बेलनाकार जैसा होता है। और देखिए आर्मेचर में यह आर्मेचर क्वाइल को स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं, यानी आर्मेचर पर जो स्लॉट कटे होते हैं यह इसलिए कटे होते हैं ताकि इसमें आपका आर्मेचर क्वाइल जो है लपेटा जा सके अच्छा से, ठीक ना, ताकि इसी से आपका EMF उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो ये थे आपका आर्मेचर, तो इतना तक समझे। देखिए फिर बता रहे हैं कि बॉडी आपका क्या चीज का बना होता है, तो बॉडी बना होता है कास्ट आयरन का या कास्ट स्टील का, समझे। फील्ड पोल क्या चीज का बना होता है, तो ये होता है कास्ट स्टील या एनिलीड स्टील का, ऊपर से लेमिनेटेड किया रहता है। पोल शू जो है आपका ये क्या करता है, तो ये पोल को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना, क्वाइल को आपका होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, और यह मैग्नेटिक क्षेत्रफल भी बढ़ाता है, मैग्नेटिक क्षेत्र भी बढ़ाता है। आर्मेचर क्या है कि यह बेलनाकार होता है, और उस यह क्या चीज का बना होता है, तो सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, बहुत सारे सिलिकॉन स्टील का पत्थर जो है उसको क्या करते हैं, एक साथ रिवेट करके बनाते हैं, बंच करके बनाते हैं। और देखिए इसका काम क्या है, ये आपका इसी में हम क्वाइल लपेटते हैं जिससे हमको EMF उत्पन्न होता है। और अगला है आपका कम्यूटेटर। देखिए अगला है कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर क्या होता है, तो यह आकार में वृत्ताकार होता है। देखिए ये जो है आपका ये कम्यूटेटर है, तो कम्यूटेटर आकार में वृत्ताकार होता है, जो हार्ड ड्रॉन
कॉपर यानी हार्ड ड्रॉन तांबे का बना होता है। क्या चीज का? देखिए ये जो कम्यूटेटर है ये हार्ड ड्रॉन तांबे का बना होता है। कैसे बनाते हैं? तो इसका मोटी पत्तियों को बेकेलाइट के आधार पर कस करके बनाया जाता है। यानी एक बेकेलाइट पर क्या करते हैं, हार्ड ड्रॉन तांबे को उस पर कस करके और कम्यूटेटर बनाया जाता है, समझे। इसका काम क्या होता है? तो आर्मेचर क्वाइल में उत्पन्न ईएमएफ को डीसी करंट में परिपथ को प्रदान करता है। यानी यह क्या करता है, आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वह अल्टरनेटिंग नेचर का, ठीक ना, तो उसको आपको डायरेक्ट करंट में बदलता है। कौन? तो कम्यूटेटर बदलता है, समझे। तो यहाँ से कहेंगे कि जनरेटर आपका उत्पन्न तो करता है एसी अल्टरनेटिंग नेचर का, ठीक ना, लेकिन हमको कम्यूटेटर के हेल्प से क्या मिल जाता है, तो डीसी मिलता है, समझे। और अगला हम बात करें तो अगला है ब्रश। ब्रश क्या होता है, देखिएगा, डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को कम्यूटेटर से बाहरी परिपथ को प्रदान करने के लिए जो युक्ति प्रयोग करते हैं, जैसे जब उत्पन्न हुआ एसी और कम्यूटेटर के मदद से हमको डीसी मिल गया, ठीक ना, तो डीसी जो मिला तो बाहर लोड के लिए चाहिए ना, लोड में जाने के लिए करंट चाहिए, तो ये तो घूमते रहता है, तो उस पर हम सीधे तार बांध दें तो क्या होगा, तार लपटा जाएगा ना, तार लपटा जाएगा, टूट जाएगा। तो इससे क्या होता है, उसमें ब्रश लगाते हैं एक ब्रश होल्डर की मदद से, ठीक ना, जो फिक्स रहता है, और ये इससे क्या करते हैं, हम बाहरी परिपथ में हम तार जोड़ देते हैं और करंट मेरा प्रवाहित होता है, समझे। तो ब्रश का यूज इसलिए करते हैं कि ये जो करंट कलेक्टर का काम करता है, यानी करंट को कलेक्ट करने का काम करता है, बाहरी परिपथ में फीड करने का काम करता है। और यह ब्रश जिस पर लगा होता है उसको कहते हैं ब्रश होल्डर। क्या कहते हैं? ब्रश होल्डर, यानी ब्रश होल्डर में ही ब्रश लगा रहता है, समझे, तो उसको पकड़ के रखता है। तो ये इतना समझे कि नहीं, तो देखिए ब्रश अब क्या चीज़ का बना होता है, तो ब्रश जो है कार्बन तथा कार्बन और तांबे के मिश्रण से बना होता है। देखिए छोटी मशीन के लिए, छोटी डीसी जनरेटर में जब ब्रश का यूज करेंगे तो सीधे कार्बन को बना देंगे तो ब्रश बन जाता है, ठीक ना, लेकिन जब वहीं पर बड़ी मशीन के लिए यूज करते हैं तो कार्बन और कॉपर के मिक्सर को ठीक ना, उसको फिर बना करके आपका ब्रश बनाया जाता है, समझे कि नहीं। इतना देखिए यहाँ पर हम लिख दिया, छोटी मशीन के लिए कार्बन तथा बड़ी मशीन के लिए कार्बन और तांबे का मिश्रण से बनाया जाता है, ठीक ना। तो ये थे आपका, और अगला है आपका शाफ्ट बेयरिंग। बेयरिंग मतलब जिस पर आर्मेचर घूमता है, देखिए ये जो है इसी को बोलते हैं बेयरिंग। तो जिस पर आपका कम्यूटेटर, आर्मेचर क्वाइल, ब्रश, ये सब जिस पर जुड़ा रहता है, ठीक ना, जिस पर घूमते रहता है आपका, ये होता है क्या चीज़, बेयरिंग होता है, ठीक ना। ब्रश नहीं घूमता है, बाकी सभी आपका घूमते रहता है, तो जिस शाफ्ट पर घूमता है उसको बेयरिंग कहते हैं। तो इतना समझ में आया कि नहीं, समझ आ गया होगा। तो ये थे अभी हम डीसी जनरेटर के आपका आंतरिक क्या क्या होते हैं, अंदर में पार्ट क्या क्या होते हैं, सभी के बारे में हम यहाँ देखें। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे कि इसमें ईएमएफ उत्पन्न कैसे होता है, ईएमएफ का आपका इक्वेशन कैसे बनता है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।